अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं लाई हूँ ये कैप, ये वुलन कैप है। मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ ये कैप। ये मैंने ब्लैक कलर में बनाई है, ये बहुत प्यारा इसका पैटर्न है। और ये मैंने 3 प्लाई वूल की बनाई है मैंने। ये मैं नाको की जो वूल होती है, 3 प्लाई वूल, बारीक वूल, उससे मैंने बनाई है। ये मैंने लंबी कैप बनाई है, मैं आपको नाप के बताती हूँ। 14.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। मैंने इसका पैटर्न भी बताया, बताऊंगी आपको कि ये मैंने कैसे बनाया पैटर्न इसका। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 प्लाई वूल ली है, नाको की वूल ली है। ये बारीक वूल है, देखिए बिल्कुल बारीक वूल है। और 12 नंबर की सिलाई से मैंने इसका बॉर्डर बनाया है और ऊपर 11 नंबर की सिलाई मैंने लगाई है। और 125 फंदे इसमें मैंने डाले हैं और इसकी लेंथ मैंने रखी है 12.5 इसकी लेंथ रखी है। और 1.5 इंच का मैंने रखा है बॉर्डर, 1.5 इंच का बॉर्डर रखा है। जो इसमें मैंने पैटर्न डाला है वो ब्लैक की वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो वो आप लोगों को मैं इस कलर पर बना के दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन मैंने कौन सा डाला हुआ है। यहाँ पर मैंने बॉर्डर बना लिया है, ये देखिए 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से मैं इसको शुरू करूँगी, सीधी सीधी सारी सिलाई बना लूँगी मैं। ये वाली जो मैंने 5 सिलाइयाँ मैंने ये उल्टी सीधी वाली बनाई हैं और 9 सिलाइयाँ मैंने जो डिज़ाइन की वो बनाई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाई है मैंने। ये वाली मैं सारी सीधी बना लूँगी सिलाई, ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से मैं इसको सीधा बुनूँगी और सीधी साइड से मैं इसको उल्टा बुनूंगी। अब ये हमारी राइट साइड है, सीधी साइड, और सीधी साइड से मैं इसको उल्टा बुनूंगी। ये सारी सिलाई मैं ऐसे उल्टे बुनूंगी। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से सारी सिलाई मैं ऐसे सीधी बुनूंगी, सीधी तरफ से उल्टी बुनूंगी और उल्टी तरफ से सीधी बुनूंगी। ये अब हमारी सीधी साइड है, तो ये देखो 1 2 3, ये 3 बन गई हैं। ये 5 करनी है, तो मैं इसकी 5 सिलाइयाँ कर लूँ फिर दिखाती हूँ। ये मैंने 5 सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं सीधे उल्टे की, ये देखें 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारी सीधी साइड है। अब कैसे मैं डिज़ाइन डालूंगी, एक फंदा ऐसे उतारूंगी, धागा मैं आगे को लेके आऊंगी, एक फंदा मैं सीधा बुनूंगी, ये धागा पीछे को लेके जाऊंगी, एक मैं उल्टा बुनूंगी, एक सीधा बुनूंगी और एक मैं उल्टा बुनूंगी, एक सीधा और एक उल्टा। ये सिलाई मैं पूरी कर लेती हूँ ऐसे। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड। उल्टी साइड से जो फंदे जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे ही बुनेंगे, जो सीधा नज़र आ रहा है सीधा बुनेंगे, जो उल्टा नज़र आ रहा है वो उल्टा बुनेंगे। देखिए ये सीधा है, ये उल्टा। जो सीधा है इसका मैं ऐसे सीधा बना लूँगी और जो उल्टा है उसका मैं ऐसे उल्टा बना लूँगी। ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब ये हमारी सीधी साइड है, उल्टी साइड से मैंने एक फंदा सीधा बुना और एक उल्टा बना। फिर सीधी साइड से मैं उल्टी साइड से मैंने फिर वही रिपीट किया, जो सीधा था वो सीधा बुना और जो उल्टा था वो उल्टा बुना। अब ये हमारी तीसरी सिलाई आ गई है सीधी साइड। सीधी साइड पे क्या करेंगे, जो उल्टा है उसको सीधा बुनेंगे और जो सीधा है उसको उल्टा बुनेंगे। फिर जो उल्टा है उसको सीधा बुनूंगी और जो सीधा है उसको मैं उल्टा बुनूंगी। एक फंदा ऐसे उतार लूँगी, ये हमारा उल्टा फंदा है, इसका मैं सीधा बुनूंगी, धागा आगे को लेके आऊंगी और ये सीधा है इसको मैं उल्टा बुनूंगी। ये धागा पीछे जाके उल्टे को मैं सीधा बुनूंगी और सीधे को मैं ऐसे उल्टा बुनूंगी। ये अब हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड। उल्टी साइड जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे उतारूंगी मैं,
धागा पीछे पर लेके जाऊंगी, ये सीधा है तो इसको मैं ऐसे सीधा बना लूंगी, धागा आगे को लेके आऊंगी, ये उल्टा है इसको मैं उल्टा बना लूंगी। जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगी, जो उल्टा है उसको उल्टा बनाऊंगी और जो सीधा है उसको मैं सीधा बनाऊंगी। ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड मैंने बना ली है और ये फिर हमारी सीधी साइड आ गई है। सीधी साइड पे भी हम वैसे ही करेंगे, जो सीधा है ये पहला फंदा मैं उतारूंगी और ये सीधा है धागा आगे लेके आऊंगी, इसको मैं उल्टा बुनूंगी, धागा पीछे को लेके जाऊंगी, ये उल्टा है और इसको मैं ऐसे सीधा बना लूंगी, फिर धागा आगे को लेके आऊंगी, ये सीधा है इसको मैं उल्टा बना लूंगी, जो सीधा है उसको मैं उल्टा बनाऊंगी और जो उल्टा है उसको मैं सीधा बना लेती हूँ। ये देखिए पांच सिलाइयाँ मैंने ये बनाई हैं सीधी उल्टी और नौ सिलाइयाँ मैंने डिज़ाइन की बनाई हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच बार ये डिज़ाइन हुआ है, ये नौ सिलाइयाँ बनी हैं। ये हमारी सीधी साइड है और अब आगे फिर हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे सीधे उल्टे वाला, ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड सारी मैं सीधी बुनूंगी, पहला फंदा उतारूंगी और ये सारी सिलाई मैं ऐसे सीधी सीधी बुन लूंगी। अब ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड से ये उल्टे बुनेंगे और उल्टी साइड से ये सीधे बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे उतारूंगी और सारी सिलाई मैं ऐसे उल्टी बना लेती हूँ। ये मैं पांच सिलाइयां बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये डिज़ाइन मैंने मुकम्मल कर ली है। ये देखिए नीचे मैंने डेढ़ इंच का बॉर्डर बनाया है, दो सीधे और दो उल्टे, फिर मैंने पांच सिलाइयों को ये सीधा और उल्टा, सीधी तरफ से ये उल्टी तरफ सीधा है और सीधी तरफ से ये उल्टा है, सीधे उल्टे की पांच सिलाइयाँ मैंने ये बनाई हैं और नौ सिलाइयाँ ये मैंने डिज़ाइन की बनाई हैं। नौ सिलाइयाँ डिज़ाइन की बना के फिर पाँच सिलाइयाँ ये सीधे उल्टे की बनाई, ऐसे ही आपने रिपीट करते जाना है पूरी, जितना जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना यही डिज़ाइन रिपीट होगा। पहले पांच बनेंगे फिर नौ बनेंगे फिर पांच उल्टे सीधे बनेंगे और ये डिज़ाइन फिर आप रिपीट करेंगे, जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी लेंथ आप बना लें। तो जब आप इसकी लेंथ मुकम्मल कर लेंगी तो आपने इसके फंदे कम करने हैं। कैसे करने हैं, पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, धागा आगे को लेके आऊँगी और दो का एक कर देंगे, ऐसे दो का एक किया फिर दो का एक किया, ऐसे दो का एक पूरी सिलाई आपने ऐसे ही काम करने हैं फंदे। ये देखिए अब इसकी मैं लेंथ 12 मैंने इसकी लेंथ बना ली है और मैं ये हमारी सीधी साइड है और सीधी साइड से मैं इसके फंदे काम करूंगी। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे काम करने हैं। पहला फंदा ऐसे हम उतारेंगे और धागा आगे को लेके आऊंगी मैं और दो फंदे का मैं एक करूंगी, दो का एक कर दिया फिर दो का एक करूंगी, ऐसे करते हुए सारी सिलाई में दो का एक करती जाऊंगी और ये फंदे कम होते जाएंगे। देखिए फिर मैं दो का एक करूंगी, फिर दो का एक करूंगी, आगे से मैं सारे ऐसे ही काम करती जाती हूँ। ये देखिए ऐसे ही मैं सारी सिलाई पूरी कर लेती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कितने फंदे कम हुए हैं। सीधी साइड मैंने बना ली है दो का एक करते हुए और ये हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड, उल्टी साइड जो है वो सारी हम ऐसे सीधी बनाएंगे, इसमें कोई फंदा कम नहीं करना, ये सारी ऐसे सीधी बनती जाएगी। इसको सारी मैं ऐसे सीधी बना लेती हूँ पूरी सिलाई को। रॉन्ग साइड मैंने बना ली है, ये हमारी राइट साइड है, सीधी साइड ये भी हम वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे उतारूंगी मैं, धागा आगे को लेके आऊंगी और दो का एक करूंगी, देखिए फिर मैं दो का एक करूंगी, ये भी सारी सिलाई ऐसे बनाऊंगी मैं, दो का एक करते हुए ये सारे फंदे ऐसे कम होते जाएंगे, मैं दो का एक करूंगी, ऐसे ये भी सिलाई मैं पूरी कर लेती हूँ दो का एक करते हुए।
ये हमारी रॉन्ग साइड है, और रॉन्ग साइड फिर मैं सारी सीधी बनाऊंगी पीछे से, ऐसे एक फंदा उतारूंगी और सारी सिलाई जो है ना मैं ऐसे सीधी बना लेती हूँ। अब ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड से भी एक फंदा मैं ऐसे उतारूंगी और धागा मैं आगे को लेके आऊंगी और दो का एक करती जाऊंगी ऐसे में। दो का एक किया, फिर दो का एक किया, ऐसी पूरी सिलाई में ऐसे करती जाती हूँ, दो का एक, दो का एक। फिर रॉन्ग साइड है, एक फंदा मैं उतारूंगी और ये फंदे जो है मैं ऐसे सीधे बना लेती हूँ। ये अब सीधी साइड है, सीढ़ी से पहले पहला मैं उतारूंगी, धागा आगे को लेके आऊंगी, फिर ये दो के एक कर दूंगी। ये मैं अब उल्टी साइड से भी मैं इसको सीधे बुन लेती हूँ, पहला फंदा उतारूंगी, बाकी मैं इसे सीधे बना लेती हूँ। अब और नहीं कम करूंगी, इसको मैं सुई पे डाल लेती हूँ इसकी सिलाई करने के लिए। जितने फंदे भी हैं मैं सुई पे डाल लेती हूँ इसको। ऐसे निकाल लूंगी मैं। यहाँ पे इसको मैं पक्का कर दूंगी दोबारा, फंदों के अंदर से ऐसे मैं सुई निकालूंगी, जितने भी फंदे हैं मैं पक्का कर लेती हूँ। इधर से सुई डालूंगी मैं, अब मैं इसको सिलाई कर लेती हूँ। एक फंदा मैं इधर से उठाऊंगी और एक फंदा मैं इधर से उठाऊंगी, ऐसे मैं सिलाई कर लेती हूँ। फिर एक इधर से उठाऊंगी मैं फंदा और एक इधर से उठाऊंगी। ये मैं उल्टी साइड से सिलाई कर रही हूँ, रॉन्ग साइड से। एक मैं इधर से फंदा उठाऊंगी और एक मैं इधर से फंदा उठाऊंगी, ऐसे ही मैं सिलाई इसकी करती जाऊंगी और मैं इसकी सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कैप बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।